स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट द टर्म डर्टी फ्लोटिंग रेफर्स टू। देखो गाइस, डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो सेंट्रल अपना बैंक होता है ना, वो क्या करता है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबल करने के लिए करता है, वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है और क्या करता है, उसको मतलब कि सेट करता रहता है कि ठीक है, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्टेबलाइज रहे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। डिटरमिनिंग द एक्सचेंज रेट कम्प्लीटली बाय द मार्केट फोर्सेज, नो। सप्लाइंग फेक करेंसी नोट्स इन एन एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री, नो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कंट्रीज एक्सचेंज रिजर्व टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सप्लाइंग ऑफ द लोकल करेंसी इन द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट ड्यू टू द आईपीएफ, नो। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी जो उसकी करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, दो तरीके की होती है। पहले होती है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मेनली क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, बैंक्स को देता है जब उनके पास नीड्स और अवेलेबिलिटी की मिसमैच होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के हिसाब से क्या देते हैं, कुछ ओवरनाइट के लिए क्या देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन जब उसकी फिर भी वो पूरी नहीं होती है तो वो फिर क्या देता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रूप में क्या देता है, कुछ पैसे देता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच द बैंक्स कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द रिजर्व आरबीआई विदाउट एनी कोलैटरल। देखो ये द बैंक्स कैन बोरो अप टू 10% ऑफ देयर एनडीटीएल। देखो अंडर द एलएएफ वो 1% तक खरीद सकते हैं, लेकिन जो एमएसएफ के अंदर वो 2% तक है ले सकते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। दिस फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो ये बात गलत है क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक्स में भी क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो कौन करेक्ट नहीं है, तीनों के विद रेफरेंस टू द रिसेंटली एनुअल नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द रियल डिजीजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गाइस। ये करंट अफेयर्स में था, आप सबको पता होगा चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चारों के चारों, तो 1, 3, 5 क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। जब वो कर सकते हैं वो फिर भी नहीं कर रहा है। अब कंपनी दैट हैज डाइवर्टेड फंड्स फॉर पर्पसेस अदर देन फॉर बिट इच बोरो, ये बात बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु हैज सोल्ड द एसेट्स बोर्ड बाय द लेंडर्स फंड विदाउट इन्फॉर्म, तो द ब्रू ट्राइब इन द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने होंगे, इट इज द लार्जेस्ट इंडिजीनियस फ्रॉम किसी जो त्रिपुरा में फ्लड हो गई थी रिसेंटली, दे हैव बीन गिवन द परमानेंट रेजिडेंस इन द त्रिपुरा, ये बात बिल्कुल, तो ओनली सेकंड बिल्कुल सही है। इट इज द फॉलोइंग नेगेटिवली इन रिटर्न, देखो क्या चीज है जो नेगेटिवली इफेक्ट करेगी हमारे डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज रेट को, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। गाइस देखो, अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो हमारी तो डोमेस्टिक करेंसी बल्कि अच्छी होगी, तो ये बात गलत होगी। इंक्रीज इन इंपोर्ट, ये बात सही है, अगर हमारे इंपोर्ट आते हैं ज़्यादा तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट है, तो हमारी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। हाई इन्फ्लेशन, यस, इससे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट इसमें से ये पूछा है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये बात बिल्कुल सही है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एक बात बताओ, जब वो डिमांड करेगी, ठीक है, मतलब देखो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में ये होता है एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, सब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। एनबीएफसी आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये बात बिल्कुल सही है, वो इसके अंडर परव्यू में नहीं है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, एक एजुकेशन होती है, और एक आपका कम इनक्वालिटी, इनकम इनक्वालिटी बोलते हैं, परचेजिंग पैरिटी जो आपका उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं इनकम इनक्वालिटी नो, इसमें ये हम नहीं यूज़ करते हैं। ग्रोथ नेशनल पर कैपिटा इनकम, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये बात सही है, मीन्स ईयर ऑफ हायर, देखो हायर एजुकेशन नहीं हम यूज़ करते, सिंपल ये देखते हैं कि बंदा एजुकेटेड है या नहीं। तो सेकेंड एंड थर्ड केस में सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज वेयर दे एग्री टू बाय एंड सेल अ पर्टिकुलर सेट एट प्री डिटरमिन फ्यूचर डेट एंड प्राइस, ये बात बिल्कुल सही है। दे डू नॉट ट्रेड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, ये बात गलत है, वो ट्रेड कर
which of the following is enriched in the term of finance of the 15th finance commission to use the population data of the 2000 when file making it recommended. नहीं भाई 2011 का करेगा, 2001 का क्यों करेगा. To allocate non-lapsable funds for defense and the internal security of India, ये बात बिल्कुल सही है. To propose performance based incentives for the state with respect to the progress made in promoting ease of doing, ये बात बिल्कुल सही है. तो second and third statement case में सही है. आगे बढ़ते हैं. Negotiable instrument is a piece of paper that entitles person to a sum and which is transferable from person to person by mode delivery or by the endorsement and delivery. तो negotiable instrument कौन कौन सा है. प्रोमिसरी नोट ये होता है, चेक भी होता है. देखो करेंसी नोट तो हमारा लीगल टेंडर होता है, ये प्रोमिसरी नोट सॉरी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट नहीं है. बिल ऑफ एक्सचेंज भी है. तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ द डिवेल्यूशन ऑफ द करेंसी इन एन कंट्री. अब क्या होता है कि क्या इम्पैक्ट जब हमारी करेंसी में डिवेल्यूशन हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है, इट मे हेल्प इन कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट मे लेट टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, ये बात बिल्कुल सही है. अब एक बात बताओ, जब आपकी करेंसी की मार्केट मतलब घट गई है, देखो जब भी करेंसी डिवेल्यूट होती है ना तो क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स हमारे कम होते हैं. अब इंपोर्ट्स कम होंगे तो जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कुछ हैं उनकी डिमांड ज़्यादा पड़ेगी. इट मे लेट टू एन इंप्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट बैलेंस, ये बात भी बिल्कुल सही है. जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है मतलब हमें सरप्लस होगा. तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. इट इनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल, बात बिल्कुल सही है. इट कनेक्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस स्टेशन फॉर डीलिंग विद साइबर क्राइम, ये बात बिल्कुल सही है. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बात भी सही है. तो तीनों की तरह स्टेटमेंट केस में सही है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द बैंक डिपॉजिट. बैंक डिपॉजिट्स की बात करिए, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट, इसमें से कौन से डिमांड डिपॉजिट्स हैं. देखो सिर्फ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं जो आपके डिमांड भी मिल जाएंगे, बाकी जो FD और जो RD होती हैं वो क्या होती हैं, आपके टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिगोबियन टैक्स. देखो पिगोबियन टैक्स हम मेनली नेगेटिव एलिमेंट्स पे लगाते हैं. ठीक है, जैसे अल्कोहल पे हो गया. ठीक है, तो टैक्स ऑन डीजल, ये बिल्कुल बात सही है. डीजल क्या है, क्योंकि कार्बन एमिट करता है तो ये पिगोबियन टैक्स पे लगता है. ठीक है, एजुकेशन इज नो वैल्यू एडेड, नो कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, तो सिर्फ टैक्स ऑन डीजल क्या है, पिगोबियन टैक्स की रूप में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑक्शन. मैंने आपको ऑलरेडी गाइस बता दिया था लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है. तो इसमें कौन कौन आते हैं, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये बात बिल्कुल सही है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉरेन शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये भी कर सकते हैं. रीजनल रूरल बैंक नहीं, ये नहीं कर सकते. प्राइमरी डीलर्स भी कर सकते हैं, NBFC भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ स्टेटमेंट सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द इंडिया. द कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया इंक्लूडिंग गोल्ड. तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है.
जैन पेंडा रिवर होते थे जो अभी एक्सटिंक्ट हो गई है. ठीक है, कंसीडर द सेफ्टी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंपनीज इन द इंडिया. दिस कंपनीज आर एंगेज इन कलेक्टिंग इंडिविजुअल डाटा अबाउट देयर डेट रीपेमेंट एंड इट्स हिस्ट्री एंड प्रोवाइडिंग देयर इनपुट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये बिल्कुल सही है. दे रेगुलेटेड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. नहीं यार, इसको हम जो रेगुलेट करते हैं वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के द्वारा रेगुलेट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, सेकंड गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होल सेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया. इट इज रिलीज बाय द CSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई है, वी होलसेल में ई मतलब इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इशू कराते थे. इसके लिए नहीं, ये गलत है. द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इनवेरिएबली लिंक्ड विद द इन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द होल. इन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हमेशा जो उसका मूवमेंट है वो ऑलवेज इनवेरिएबली का मतलब है ऑलवेज होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक होता. नहीं भी, एक बात बताओ, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स कॉन्स्टेंट है लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट बढ़ा रही है तो इसका लिंक नहीं है ना. तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. कौन सी करेक्ट है? नाइदर वन नाइदर टू क्या है इसमें करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया. डिपार्टमेंट डाईपीएम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ओवरसी द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. देखो, डाईपीएम देखता है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर नहीं आता, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी. नीति आयोग आइडेंटिफाइज एंड रिकमेंड सीपीएसएस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन. ये बिल्कुल सही है. कैपिटल रिसीट फ्रॉम द डिसइन्वेस्ट हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर. नो, ऐसा नहीं है. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. Consider the following passage. It refers to the situation when the inflation rate is high and the growth rate slow down. It and unemployment stays high. देखो, ये तो देख के ही पता चला होगा कि inflation भी unemployment भी जब ये दोनों इकट्ठे exist करते हैं तो क्या होता है, वो stagflation होता है. ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following actions have less can have the effect of increasing the price levels in the economy. देखो, किस वजह से क्या है हमारी इकोनॉमी में चीज़ों का प्राइस लेवल बढ़ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. ये नहीं उन्होंने पूछा कि प्राइस लेवल बढ़ के क्या इफेक्ट होगा, ना इन्होंने पूछा किस वजह से क्या है हमारा प्राइस लेवल बढ़ सकता है. सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबी. नो, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई. देखो, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑफकोर्स क्या आपकी डिमांड बढ़ेगी, इस वजह से क्या प्राइस भी बढ़ेगा. ठीक है, एंड इंक्रीज इन द इंक्रीमेंट. ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है, फर्स्ट इसमें गलत है. फर्स्ट में उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा डिक्रीज होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ओनली. देखो, ओनली गलत करके इन्होंने, ये गलत होगी. इट प्रोविजन इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है. इट्स प्रोविजन आर इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2019. नो, एज ऑफ नाउ देर आर नो अपील एट ट्रिब्यूनल्स टू अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज रिगार्डिंग आर प्रोविजन. नो, ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. देखो, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है इकोनॉमी की, इसमें किया है. डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हम उन बैंक्स को बोलते हैं जिनका जो एसेट होता है उनका 2% ऑफ GDP के इक्वल है या उससे ज़्यादा है. ठीक है, दीज आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स विच आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड आर इन्वॉल्व इन द क्रॉस जुडिशियल एक्टिविटी. बात बिल्कुल सही है. द बैंक्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज द डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नो, आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है, इसमें स्टेटमेंट गलत होगी. एज ऑफ नाउ ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ DSIB. नहीं, प्राइवेट बैंक्स भी आइडेंटिफाई किया हुआ जैसे HDFC. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. इन द इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है. द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज ओवर द टाइम. नो, ये गलत है. जो डॉलर डिनोमिनेटेड सोवरेन बॉन्ड्स विल इंक्रीज द डेट बर्डन इफ द रुपी डेप्रिसिएट. ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. जो द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द कोरोना वायरस. आपको पता होगा ये बात बिल्कुल सही है. मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कोज बाय कोरोना. ये बात बिल्कुल सही है. देखो, सार्स और मर्स जब ये देखो, ये शुरू के न्यूज़ है. ये मेनली जनवरी 2020, इसमें ये जो टेस्ट है ये 21st टेस्ट है. फरवरी में अपडेट हुआ था तो उस वक्त कोरोना वायरस नया नया आया था, तो उस वक्त मर्स और सार्स ही चल रहा था. रिसेंटली नोवल कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड फॉर इट्स आउटब्रेक. Liquid is handled by the bank to
चांसेस हैं कि जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका डिक्रीज होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, शेल कंपनीज सीन इन द न्यूज़। देखो, शेल कंपनीज वो होती हैं जो अभी इनएक्टिव होती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन दैट डू नॉट हैव एनी पर्पस एंड आर लेफ्ट टू इट्स नो कॉर्पोरेशन विदाउट एनी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन, ये बात बिल्कुल सही है, जो अभी एक्टिव नहीं है और ना ही उनके पास एक्टिव एसेट्स हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल सही है। न्यूज रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर द मिनिएचर सैटेलाइट फॉर स्पेस रिसर्च, नहीं ये मिनिएचर सैटेलाइट नहीं थे। परमिशन ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी प्रपोज बाय द फेसबुक, देखो वो तो क्रिप्टो करेंसी होती है, लिब्रा है उसका नाम, तो कोई गलत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एडीज इजिप्ट टू फाइट मॉस्किटो, नो। कंप्यूटेशनल क्रिएटेड आर्टिफिशियल ह्यूमन, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल ह्यूमन जो अभी डेवलप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ, देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ बजट में पूछा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में इन्होंने ये नहीं पूछा कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल अकाउंट पूछा था उसका मतलब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों इसमें अपने आप ऐड करना है। डिस इन्वेस्टमेंट पर, ये बात बिल्कुल सही है, कैपिटल रिसीप्ट में जाती है। बोरिंग्स फ्रॉम द आरबी, ये भी कैपिटल रिसीप्ट में जाती है। लोन्स टू द स्टेट का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आप रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, वो करते हैं मतलब कंपेयर करते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ यार अब हमें इन चीज़ पे खर्चा करना चाहिए या नहीं, या अगर इन चीज़ पे खर्चा करके हमें कुछ बेनिफिट मिला है नहीं, और ताकि जो हमारे यूजलेस एक्सपेंडिचर है हम उन्हें रिमूव कर सके। ठीक है, इट टेक्स लास्ट ईयर एक्चुअल फिगर्स एंड एड्स और सब्सट्रैक्ट द परसेंटेज टू ऑब्टेन द करंट ईयर्स बजट। देखो पहले सारी स्टेटमेंट पढ़ना, सिर्फ पर्टिकुलर स्कीम से रिटर्न, ये गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेंसेस देखते हैं कि उनको जस्टिफाई करते हैं, तभी हम उस न्यू पीरियड में उसको लेके आते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इट इज अ सेट ऑफ सैटेलाइट टू ट्रैक सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन नेटवर्क, ये बात बिल्कुल सही है। द सैटेलाइट वुड बी लॉन्च ऑन द PSLV लॉन्चर टू लो अर्थ ऑर्बिट, ने GSLV के द्वारा कही, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे सही है। नमी खुद ही ठप होती है, तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल।
पे हम चलते हैं, विच कंसीडर फॉलोइंग इज अ नोट
तो गाइस इस हिसाब से है जो क्वेश्चंस क्या हैं आपसे